क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे और रख रहे होंगे अपना ध्यान। जी हाँ, हम आ पहुँचे हैं रॉयल एनफील्ड सूरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बरेली, जहाँ से होने जा रही है डिलीवरी इंटरसेप्टर 650 सीसी इन सिल्वर कलर। इसके ओनर बनने जा रहे हैं इंडियन आर्मी से मिस्टर मनोज जी। वीडियो में बने रहिए, देखेंगे हम स्टनिंग लुक्स को इंटरसेप्टर 650 सीसी के, और साथ ही बात करेंगे मिस्टर मनोज से और जानेंगे उनकी रॉयल एनफील्ड स्टोरी। हम आ पहुँचे हैं इंटरसेप्टर 650 सीसी के सामने, एंजॉय कीजिए बाइक के सिनेमैटिक्स को और बने रहिए बातचीत के लिए मिस्टर मनोज जी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो में। एक बार फिर हम आ चुके हैं सूरी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर मनोज जी से, जो इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सो आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्टर की। मनोज जी जो इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, यहां से परचेज कर रहे हैं इंटरसेप्टर 650। सो आइए जानते हैं, इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कैसे इंटरसेप्टर को इन्होंने कैसे डिसाइड किया। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली मेरे को ये रॉयल इनफील्ड जो बुलेट रही है, इसका मेरे को ड्रीम बचपन से रहा है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक्चुअली रॉयल इनफील्ड की जो क्लासिक, उसका बड़ा मतलब वो था कि मुझे वो लेनी है। तो सडन अभी आई थिंक 1 and 2 years, तो ये अभी जो नई लॉन्च हुई है गाड़ी, तो जैसे मैंने इसका व्यूज़ वगैरह देखे, है ना, फ़ोटोज़ वगैरह देखे, वो मुझे बहुत पसंद आया। और ये बेसिकली मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मेरे को वो हिल एरिया है, तो ये हिल एरिया के लिए, माउंट एरिया के लिए बहुत ही परफेक्ट एंड सुटेबल गाड़ी मुझे लगी। एंड आई थिंक 650 आपको वो पावर देगी जो पहाड़ों में ज़रूरत होगी। ऑफकोर्स। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये गाड़ी मैंने चूज़ की है और आज फाइनली मैं इसको बाय करके ले जा रहा हूँ अपने घर पिथौरागढ़। जो अभी मैं बरेली से पिथौरागढ़ आई थिंक 320 किलोमीटर समथिंग मैं राइड करके जाऊँगा। तो पहले दिन आप इसकी पूरी टेस्टिंग कर लेंगे आज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज टेस्टिंग भी हो जाएगी और राइड भी हो जाएगी, एक पहली राइड और भी लंबी राइड। तो इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। तो सर, एक चीज़ के लिए मैं भी क्यूरियस हूँ और आई थिंक जो व्यूवर्स देख रहे होंगे वो भी क्यूरियस होंगे। मीटियोर अभी 350 रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली लॉन्च की, जो 3 वेरिएंट आते हैं। मैं अगर उसके टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ, और उसका रीज़न है क्योंकि टॉप वेरिएंट की जो कॉस्ट है वो इसकी कॉस्ट से काफ़ी कम है। सो कोई सर स्पेसिफिक रीज़न रहा कि आपने इंटरसेप्टर को चूज़ किया? आपसे जानना चाहूँगा सर। जैसे मैंने बताया कि मैं बुलेट का बचपन से शौकीन रहा हूँ, तो आई थिंक अभी का जो मॉडर्न कल्चर है ना, मॉडर्न ज़माना है, तो हमें एक गाड़ी लेना है तो कम से कम 10 साल हमने इसको चलाना है, यूज़ करना है। तो हमने अभी प्राइसिंग का उतना रखा नहीं कि हमें उसमें प्राइस कम है इसमें ज़्यादा है। हमने ये सब चीज़ देख के लिया कि 10 साल के बाद भी हमें ये चीज़ अच्छी मिले और परफेक्टली हमारे लिए, मतलब वो आज से नहीं, आज से 10 साल बाद भी हम उसको अगर चलाएँ तो हमें वो गुड फील दे। आई थिंक तो मेरी ये सोच थी, तो इस सर मैं इसको प्रीफर किया। सर, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है करीब? जैसा कि इसका ऑन रोड प्राइस था 2,86,000 समथिंग इसका एक शोरूम प्राइस है, बट एक्चुअली मैंने इसको बाय किया है CSD कैंटीन के थ्रू। ओके। तो मुझे आपको थोड़ा टैक्सेस वगैरह सेव हो गया होंगे इसमें। गुड। और कुछ चीज़ आप बताना चाहेंगे, मतलब आप गाड़ी किस पर्पज़ से यूज़ करेंगे इसको? ऑफ रोडिंग के लिए पर्पज़ करेंगे या रेगुलर, क्योंकि आप पहले से सर्विसेज मिलेंगे?
रेगुलरली तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली, जैसे वही है कि जैसे मैं हम लोग लीव पे होते हैं तो उस ड्यूरेशन पे अगर कभी राइडिंग आइडिंग का प्लान करेंगे, ट्रिप प्लान करेंगे, तो हमारा एरिया हिल्स एरिया है तो हमें वो कम्फर्ट मिलेगा इससे, और हमारी राइड भी हो जाए और कम्फर्ट भी हो जाए। सो मनु जी, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ बनने के लिए, अपने विचार शेयर करने के लिए, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नई बाइक की, और उम्मीद करता हूँ कि ये मुस्कान आपकी बनी रहेगी, इस बाइक के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, और आपको 350 किलोमीटर अभी शायद जाना है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यही बोलूँगा सेफ ड्राइव एंड कीप इट सेफ। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू जी।